हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहती हूँ जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो और आपको किसी भी चीज़ की कमी हो उसको आप दूर कर सके। आपके लिए ये अच्छी जानकारी रहे। आज आपके लिए एक नई समस्या के लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज के टाइम में छोटी सी उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। इन दिनों ये समस्या आम समस्या हो गई है जिसका कारण अनियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन की कमी, तनाव, प्रदूषण, रोग, बहुत ज़्यादा शैम्पू और तेल का उपयोग करना है। बाल अपना काला रंग छोड़कर सफ़ेद हो जाते हैं। घर पर मिलने वाली चीज़ों का उपयोग कर प्राकृतिक तरीके अपना कर बालों का रंग दोबारा काला किया जा सकता है। भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अनुसार हम आपके लिए ऐसे नुस्खे लेके आए हैं जिनकी सहायता से ऐसे में सफ़ेद हुए बालों को लंबे समय तक के लिए जड़ से काला किया जा सकता है। तो आइए हमारे नुस्खे के बारे में बताने जा रही हूँ। भृंगराज और अश्वगंधा की जड़ों का पेस्ट नारियल के तेल में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और एक घंटे बाद गुनगुने पानी से धो लें तो हमारे बाल काले होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। ब्राह्मी की पत्तियों को पीसकर नारियल या ओलिव ऑयल में उबालें, इसे छानकर बालों की मालिश करें। इसे आप सप्ताह भर लगाएंगे तो आपके बालों में आपको अपने आप ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। नींबू के रस में 4 चम्मच आंवला पाउडर और 2 चम्मच पानी मिलाकर 1 घंटे के लिए रख दें। तैयार पेस्ट को सिर धोने से करीब 1 घंटा पहले लगाने से बाल काले होंगे और आपके बाल चमकदार और सिल्की दिखाई देंगे। मेहंदी के पत्ते सरसों के तेल में उबाल लें और छानकर बोतल में भर कर रख लें। रात को सोते समय इससे 5 से 10 मिनट सिर की मालिश करें और सुबह धो लें तो आप बालों में अलग ही चमक देखने को मिलेगी और आप खुद कहेंगे कि हमें इसे लगाने से बहुत ही फर्क नज़र आ रहा है और यह आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है। आंवला रस को बादाम तेल में मिलाकर लगाने से बाल स्वस्थ होते हैं। आप जानते हैं बादाम हमारे शरीर के लिए ही नहीं बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आंवले के कुछ टुकड़े नारियल तेल में तब तक गर्म करें जब तक कि आंवला काला ना हो जाए। इस तेल से बालों की मालिश करें और इससे आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। लोहे की कढ़ाई में 1 कटोरी मेहंदी पाउडर और 2 बड़े चम्मच चाय का पानी, 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच दही और शिकाकाई और रेठा पाउडर, 1 अंडा, 1/2 चम्मच नारियल तेल और थोड़ा कत्था मिलाएं। इस पेस्ट को रात पर भिगोने के बाद सुबह बालों में 2 घंटे लगाएं। सूखने पर बिना शैम्पू के सिर्फ पानी से धो लें जिससे आपके बाल सुंदर और जैसा आप चाहते हो वैसा कलर देखने को मिलेगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर किए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।